अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जोर से बोलो। मनीषा शर्मा। कहाँ से आई हैं आप? शाजापुर से। शाजापुर से कहाँ पे आई हो? माता के दरबार। कैसी भीड़ लगी आपको आज? कैसा क्या लगा आज? बहुत भीड़ थी। आरती कैसी हुई आज की? बहुत अच्छी आई। अच्छी आरती हुई। आकाश परमार। परमार जी कहाँ पर आए हो अभी आप? देवास। देवास में किस स्थान पे आए हो? देवास वाली माता, चौंडा माता। क्या हो रहा है यहाँ पर? आरती। कैसी आरती हुई आज? बहुत शानदार। कैसी, किस तरह से आरती हुई, क्या देखा आपने? बहुत शानदार देखा, ढोल ताशे। कैसी आरती हुई बेटा आप पहले सुने ना, कैसी लग रही है आपको? माँ चामुंडा के यहाँ तो कैसी आरती लग रही है आपको? शुभ नाम है आपका, कहाँ के पुजारी आज, क्या विशेष आरती हो रहा बताएं विस्तार से? मैं मुल्ला भवानी और चामुंडा देवी जो टेकरी के नाम से प्रसिद्ध है देवास की, वहाँ का पुजारी हूँ। मेरा नाम है दीपक पुजारी और नाथ संप्रदाय का जो पूरा परिवार है हमारा यहाँ पर पूजन पाठ करता है यहाँ पर। आज क्या विशेष पूजा थी, क्या हुआ आज? आज से महाआरती का आयोजन हुआ है, एक नई पहल है, नई शुरुआत है, जिससे माताजी का और आशीर्वाद सब भक्तों पर बढ़े और काफ़ी सफल आयोजन रहा। काफ़ी भव्य रूप में लोग भी पधारे और काफ़ी भव्य तैयारियां भी थी, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भव्य दीपक पूजन, भव्य सजावट, भव्य फूल बंगला वगैरह सभी को सजाया गया। तो भव्य आरती का प्रारंभ हुआ है आज से, नवमी की तिथि, नवमी तिथि पर कृष्ण पक्ष की। कौन है इसके संचालक और आपके पास कौन, किसने अतिथि के रूप में कौन थे, किसने करा था आरती? अतिथि ग्रुप में मेरे पास जो है सांसद जी थे और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय सभी लोग मौजूद थे। किस तरह से इस आरती के पश्चात क्या भोजन होता है? भंडारे का आयोजन है, आरती के पश्चात समस्त जो भक्तगण हैं उनके लिए प्रसाद वितरण किए का। क्या लग रहा है, नवरात्रि का माहौल लग रहा है क्या आज आपको? हाँ, माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा जनता पधारी और बहुत सारे लोगों में लोग जो पधारे तो बिल्कुल माहौल उसी तरीके का बना है, बिल्कुल नवरात्रियों जैसा, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, सजावट भी सुंदर लग रही है, तो बिल्कुल वैसी ही अनुभूति हो रही है।
शिमला में आपका कहां से आई है और किस जगह खड़ी है, आज क्या विशेष हुआ यहां पर? मेरा नाम डॉक्टर आयुषी देशमुख, मैं सद्गुरुदत्त धार्मिक परमार्थिक ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं भयू महाराज की धर्मपत्नी और मैं इंदौर से आई हूं। और आज इस आरती के उपलक्ष्य में, शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर जो आरती हो रही है वो महेंद्र सोलंकी जी देवास सांसद द्वारा की जा रही है और काफ़ी तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हैं और काफ़ी भक्तगण माता के सानिध्य में आए हुए हैं आशीर्वाद प्राप्त। किस तरह से आरती हुई है चामुंडा माता की आज? आज इस आरती का भव्य रूप देखने को मिला, ऐसा दृश्य आज तक मुझे नहीं लगता कि शायद देवास के लोगों ने देखा होगा। गंगा माई की ऐसी आरती उस टाइप से जी, गंगा माई जैसे ऋषिकेश में और हरिद्वार में जो आरती का दृश्य देखा जाता है वैसे ही आरती हुई। क्या लगता है ऐसी आरती लगातार ऐसा होना चाहिए देवास में? बिल्कुल ऐसी ही आरती होना चाहिए। मैंने काफी सारे लोगों से बात की और मुझे बात करने पर ये पता चला और बात करने पर मुझे मैंने ये जाना कि सभी लोग बहुत इच्छुक हैं कि आज आपने जो भीड़ देखी क्या नवरात्रि की याद आई आपको? नवरात्रि की याद आई, बिल्कुल नवरात्रि की याद आई। ऐसा लग रहा था कि मैं नवरात्रि की 9वीं और 10वें अष्टमी और नवमी के दिन आई हूँ। क्या लगता है आपको ये आरती हमेशा निरंतर होना चाहिए क्या? ऐसी ही आरती निरंतर होना चाहिए और महेंद्र भैया जी, भैया जो है महेंद्र सोलंकी जो देवास सांसद हैं, माता का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे और वे ऐसी ही आरतियाँ करवाते रहे। महेश चौहान जी जो अभी कर रहे हैं, सूर्य दिवस के रूप में कहीं मनाता है। आज सूर्य दिवस होने के कारण देवास टेकरी पर महाआरती का आयोजन किया गया। यही महाआरती श्रृंखलाबद्ध तरीके से टेकरी पर शनिवार रविवार को की जाएगी, जब तक माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी की इच्छा होगी तब तक ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। इसमें देवास शहर के अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग कॉलोनी के लोगों को आमंत्रित किया गया है और साथ ही महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है। सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ माता की आरती की है। मैं स्वयं भी आज दिल्ली में था लेकिन दिल्ली से मैं परमिशन लेकर केवल आरती में शामिल होने के लिए आज टेकरी पर आया हूँ। ये अद्भुत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में देवास के सभी व्यक्ति को सहभागी बनना चाहिए। आप आज की तारीख क्यों सुनते? पिछली बार भी आपने कुछ आयोजन यहाँ पे रखा था। मैंने कहा ना कि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो आज के दिन को सूर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज सूर्य दिवस है और सूर्य दिवस को ही उत्साह मनाने के लिए हम लोगों ने आज का दिन तय किया। किस तरह से आरती हुई है देवास में? ऐसा लगभग पहली बार ऐसी आरती हुई है। यहाँ पर जो आरती की गई है वो महाआरती की गई है, सारे लोगों को एकत्रित करके, भक्तों को एकत्रित करके, जो गंगा मैया की निरंजनी आरती होती है उसी तर्ज पे यहाँ पर माता जी की आरती करवाई गई है, जो एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयोग देवास टेकरी पर रहा है। माता जी की इच्छा अनुसार ये कार्यक्रम बहुत सफलता की ओर जा रहा है और मैं सभी से कामना करता हूँ कि प्रत्येक शनिवार रविवार को इस आरती का में सहभागी बन के इस कार्यक्रम को सफल। क्या क्या रहेगा आरती के पश्चात? आरती के पश्चात महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और आरती में शामिल होंगे उन सभी के लिए महाप्रसादी का की व्यवस्था की गई है। वे माता जी के दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद महाप्रसादी का भी लाभ लेंगे। क्या लगता है वो कितने मास के श्रद्धालु माँ के दर पे आए आज? मैंने अभी संख्या गिनी नहीं कितने हैं, लेकिन जो भी आए हैं सब माता जी की इच्छा से आए हैं और जो संख्या होगी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। अभी मेरे कुछ मित्रों से जरूर बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि 1000 के भी पार संख्या यहाँ पर एकत्रित हुई है।